हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो गया था और अभी भी थोड़ा बहुत है, बट इतना ठीक ठाक हूँ कि वीडियो अपलोड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर SSC MTS 2024 के लिए GKGS की वीडियो लेकर आ गया हूँ। ऑलरेडी मैंने 30 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर सारे वीडियो जरूर देख लो। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग की मालूम है, डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन कौन सा है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, आप लोग के मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? तो 11 जून को, 11 जून को संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, यानी कि दी है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जस्ट अभी का क्वेश्चन है, अभी टीवी पर भी आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो आंसर होगा आप लोग का महाराष्ट्र। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे ज्यादा मैं कुछ आप लोग से बोलता नहीं हूँ। बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये होता है RTGS का पूर्ण रूप, यानी कि फुल फॉर्म। तो अच्छा, कि सबसे बाहरी परत को कौन सी परत कहते हैं? एपिडिमिस, एपिडिमिट्स। ठीक है, हेनरी मोसले ने किस वर्ष में आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था? हेनरी मोसले जो था, उसने किस वर्ष में आवर्त सारणी को दिया था? तो 1913 में। अग्न्याशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है। अग्न्याशय में जो बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन का स्राव करती है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अल्फा कोशिकाएं क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग किसके बराबर होता है? तो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष में मामलुक वंश का स्थापना किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने किस वर्ष में मामलुक वंश का स्थापना किया था? तो 1206 में। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अगर आप मेरी डेली वीडियो सारी वीडियो देखते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक कर लेना। एग्जाम देने से पहले सारी वीडियोज एक बार जरूर वॉच कर लेना, सारी वीडियो कम से कम 5-5 मिनट, 6-6 मिनट की है। तो 30 वीडियो अपलोड कर दें तो कम से कम आप लोग का 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और सारे क्वेश्चन टॉपिक की जो भी टॉपिक वाइज भी कवर हो जाएंगे, तो आप लोग वीडियो देख लेना। भारत का पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम किस दिन को होती है? हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम किस दिन को होती है? तो 3 जनवरी को। राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चित्तौड़ का किला। फुटबॉल मैच में अंतराल कितने मिनट का होता है? देखो, पिछले वाली यानी कि पहली या दूसरी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, मुझे इतना याद है, तो आप लोग को भी याद होना चाहिए। अंतराल जो होता है फुटबॉल मैच के हैं 15 मिनट का होता है। ठीक है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का जो त्यौहार मनाया जाता है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ये सब रहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।